आज के ज़माने में अगर आप पीसी गेम्स को खेलना चाहते हो तो जो बैरियर है एंट्री की वो 25,000 से चालू होता है। मतलब कि यहाँ पे आपको बिल्ड मिलेगा एपीयू के साथ, एमडी का जो एपीयू आता है 2200G, उसके साथ आपको बिल्ड करना पड़ेगा। अब वैसे तो वो प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड जीपीयू काफ़ी पावरफुल मिल जाता है, मतलब कि 730 DDR5 के आसपास वाला। हाँ, और साथ में अगर आप एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं तो उसके अंदर आप 1060 या RX 580 भी ऐड कर सकते हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा हो जाता है वो बिल्ड। लेकिन अब उन लोगों का क्या जो कि यार मतलब 25,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिकर नॉट भाई, क्योंकि हम यहाँ पे आज 15,000 का वर्चुअल बिल्ड करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, मैं यहाँ पे वर्चुअल बिल्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लो। मैं यहाँ पे कोई रियल बिल्ड नहीं करूंगा क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, अगर मैं ये बिल्ड करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास इस बिल्ड से ज़्यादा बेटर कॉम्पोनेंट्स हैं। तो आज का जो बिल्ड हम कर रहे हैं 15,000 रुपीज़ वाला, वो बेयर मिनिमम है, मतलब कि इतना तो आपके पास होना ही चाहिए अगर आप पीसी के गेम्स आजकल के ज़माने के खेलना चाहते हो तो। अब हालांकि गाइस अगर देखा जाए कि 15,000 भी कम रकम नहीं होता है, लेकिन अगर कंसिडर किया जाए कि मतलब आजकल जो फ़ोन्स आते हैं वो 15,000 के आते हैं, तो अगर आप एक पीसी बिल्ड पे 15,000 स्पेंड कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है मेरे ख्याल से। और हाँ, वैसे तो 10,000 के पीसी बिल्ड्स भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो वो वहाँ पे रिडायरेक्ट करें नहीं, मतलब अली एक्सप्रेस से आप सीपीयू बाय कर लो, अली एक्सप्रेस से जीपीयू बाय कर लो। अगर आप बाय कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मान लो कि अंडर एज हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड्स वगैरह नहीं है, तो आप कहाँ से बाय करोगे। इसलिए मैं यहाँ पे 15,000 का टारगेट लेके चल रहा हूँ, और जितने भी पार्ट्स होंगे सब एक्सेसिबल होगा, मतलब कि सब अमेजोन से होंगे तो कोई भी बाय कर सकता है। और किसी भी पीसी पार्ट्स के लिए मैं आपको ऑफलाइन जाने तो नहीं बोलने वाले, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है सभी के पास ऑफलाइन मार्केट का एक्सेस नहीं होता है। तो यहाँ पर हम ये जो बिल्ड करें वो सभी के लिए होगा, मतलब सबके पास एक्सेस होगा क्योंकि अमेजोन पूरे इंडिया में शिपिंग कर देता है। तो 15,000 के अंदर आपको काफ़ी अच्छा एक बिल्ड मिल जाएगा। और हाँ गाइस, मैं बिल्कुल रेकमेंड तो करूँगा कि अगर आप ऑफलाइन मार्केट से ले सको, आपके पास एक्सेस हो, तो आप वहाँ से ले लो। नहीं तो अगर आप अली एक्सप्रेस से ले सकते हो 750 Ti या फिर दूसरे जो 10,000 वाले बिल्ड बोलते हैं, लेकिन मतलब हम पूरे मास ऑडियंस को लेके चल रहे हैं तो उसी के ऊपर ये बिल्ड फोकस्ड होगा। तो अब आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। तो जाहिर सी बात है किसी भी पीसी बिल्ड में सबसे पहले आप स्टार्टिंग करते हो कोर कंपोनेंट्स के साथ, और कोर कंपोनेंट्स का जब नाम ही आ जा रहा है, जब मतलब नाम में ही कोर आ जा रहा है, तो फिर प्रोसेसर से क्यों ना शुरुआत करें। तो ऑफकोर्स ये बात है इस बिल्ड में भी प्रोसेसर से ही शुरुआत होगी, और प्रोसेसर में हम इस्तेमाल करेंगे इंटेल का कोर 2 क्वाड Q6600 प्रोसेसर। अब ये जो प्रोसेसर है आपको सेकेंड हैंड मिल जाएगा अमेजोन पे, वो भी 1244 रुपीज़ का। यहाँ पे अगर आप अली एक्सप्रेस से लेते हैं तो आपको ये प्रोसेसर मेरे ख्याल से कुछ 600 या 500 के आसपास में मिल जाएगा, पर मैं दोनों के लिंक डाल लूँगा, आपको जहाँ से सहूलियत पड़े आप वहाँ से ले सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं इस प्रोसेसर के स्पेक्स के बारे में। अब गाइस, इस प्रोसेसर के अंदर 4 कोर्स है, मतलब कि ये एक प्रॉपर क्वाड कोर प्रोसेसर है। इसकी क्लॉक स्पीड 2.4 GHz पे क्लॉक्ड है। इसकी TDP 95 W है, तो जो कि मेरे ख्याल से यार पुराना प्रोसेसर है, फिर भी TDP इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप एक चीप सा कूलर लगा के भी मतलब इस प्रोसेसर को रन कर सकते हो। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस प्रोसेसर की जो सिनीबेंच स्कोर आती है वो अराउंड 250 आती है, जो कि मेरे ख्याल से ओके है। बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन ओके यार, कंसिडर किया जाए कि ये प्रोसेसर आपको बहुत ही डर्ट चीप में मिल रहा है। अब 250 CB क्या इनफ है? देखो यार, इनफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप 750 Ti लगा रहे हो या फिर आप 1030 लगा रहे हो, तो फिर मेरे ख्याल से यार उधर पे तो आपको बॉटलनेकिंग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्रोसेसर आराम से 1030 और 750 Ti को बिल्कुल हैंडल कर सकता है। और जाहिर सी बात है इस प्रोसेसर से आप कोई मैजिकल परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट ना करें, जैसे कि रेंडरिंग में हो गया या फिर प्रोडक्टिविटी वगैरह के कुछ काम में हो गया, क्योंकि पहली बात तो ये प्रोसेसर काफ़ी पुराना है और काफ़ी डर्ट चीप में मिल रहा है, और आपको गेमिंग में तो मतलब परफॉर्मेंस बराबर दे देगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे CPU कूलर के ऊपर, जो कि ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आ रहा है, और ये LGA 775 सॉकेट के लिए है। जाहिर सी बात है क्योंकि हमने जो प्रोसेसर यूज़ किया वो LGA 775 सॉकेट सपोर्ट करता है। अब इस कूलर के फैन की जो रोटेशन स्पीड है वो अराउंड 4000 RPM तक जाती है, तो मेरे ख्याल से अगर ये 4000 RPM पे रन करता है बहुत ही ज्यादा लाउड होने वाला है। पर देखो यार, 95 W की TDP है, तो हायर RPM पे तो फैन मतलब रन करना ही चाहिए। कंसीडर किया जाए कि इस जो मतलब कूलर है उसका हीट सिंक काफी छोटा है, जैसे कि आप देख सकते हो छोटा सा एल्युमिनियम ब्लॉक है। हालांकि जो इंटेल के आते हैं ना वो एकदम पिद्दी से हीट सिंक, उनसे तो बेटर है, लेकिन फिर भी मतलब 95 W को हैंडल करना है तो
देखो यार, हायर आरपीएम के फैन होना जरूरी था। और गाइज मैं यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर दूं कि इस कूलर के साथ ऑलरेडी थर्मल पेस्ट अप्लाइड आता है, तो यहाँ पे आपको अलग से मार्केट से थर्मल पेस्ट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। इस कूलर के अंदर आपको 95 मिलीमीटर का फैन मिल जाएगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 4000 आरपीएम तक जा सकता है। तो कूलिंग परफॉर्मेंस इस हीट सिंक की काफी अच्छी है और एयर फ्लो भी काफी अच्छा है। और मजेदार बात तो यह है कि इस कूलर की प्राइस सिर्फ 220 रुपीज है। तो अब बढ़ते हैं मदरबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया जेब्रोनिक्स का ZEB G31 वाला मदरबोर्ड। अब जाहिर सी बात है, इस मदरबोर्ड की जो मेन फीचर है वो ये है कि ये काफी सस्ता है। मतलब कि आपको यहाँ पे 2000 के अंदर मदरबोर्ड मिल जा रहा है, वो भी ब्रांड न्यू अपने पीसी के लिए। इस मदरबोर्ड के अंदर दो सेटा पोर्ट्स हैं। इसके अंदर ऑडियो आपको मिल जाएगा 5.1 का। इसके अंदर लैन है, पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट है, मतलब बेसिक से सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। और ये एक्चुअली DDR2 मदरबोर्ड है। अब जाहिर सी बात है, हमने यहाँ पे पैसे को कंजर्व करने के लिए, मतलब पैसा बचाने के लिए हमने DDR2 मदरबोर्ड इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप G41 चिपसेट वाली मदरबोर्ड लेते तो वहां पे वो DDR3 सपोर्ट करेगा। तो अगर आप चाहें तो आप DDR3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों लिंक डाल दूंगा, आपको जो पसंद आए, आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा, आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है रैम। तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया खरीदिए बेसिक्स का 2 GB का रैम, जो कि DDR2 है और 800 MHz पे क्लॉक्ड है। और जाहिर सी बात है, कम से कम यहाँ पे हम लोग दो स्टिक्स लेंगे, क्योंकि ये 2 GB की स्टिक है, तो मिनिमम 4 GB रैम तो होना चाहिए। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँ कि आप दो स्टिक ले, तो इससे ये डुअल चैनल में भी रन करेगी और आपके पास सफिशियंट रैम भी हो जाएगा। तो इस रैम के बारे में वैसे तो कुछ खास बोलने लायक नहीं है, लेकिन चीप है और इफेक्टिव है, और आपको सिर्फ 500 रुपीज में एक पीस मिल जाएगी। तो अगर आप दो पीस लेते तो आपको अराउंड 1000 रुपीज पड़ेगा, मतलब कि 4 GB रैम के लिए 1000 रुपीज। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा डील है। तो अब बढ़ते किसी भी पीसी बिल्ड के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर, यानी कि ग्राफिक्स कार्ड। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया जोटेक की तरफ से एनवीडिया GT 1030 2 GB GDDR5 मेमोरी के साथ। अब ये कार्ड पहले तो आपको पड़ जाता था कुछ 6500 के अंदर, लेकिन क्योंकि फिलहाल वी रैम के प्राइसेस, अरे यार मैं वी रैम की बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी मेमोरी का कॉम्पोनेंट हो उसकी प्राइसेस बढ़ी हुई है, इसीलिए क्योंकि ये मतलब लो एंड वाला कार्ड है, तो इसकी प्राइसेस पे ज्यादा आपको इफेक्ट लग रहा होगा। हालांकि वैसे 800 रुपए बढ़ा है, लेकिन क्योंकि ये लो एंड कार्ड है तो उसके लिए ही बहुत ज्यादा हो गया। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कि आप 750 Ti बाय कर सकते हो सेकंड हैंड, अगर आप लोकल मार्केट से ले सको तो, नहीं तो फिर आप अली एक्सप्रेस से ऑर्डर दे सकते हो, ठीक है। तो वो आपको कुछ 4500 में पड़ जाएगा। अब दोनों ही कार्ड्स की ना अपने ही खामियां और अपने ही मतलब पर्क्स हैं। देखो अगर ऑन पेपर परफॉर्मेंस की बात करोगे तो 750 Ti एक्चुअली 1030 से फास्टर पड़ता है, लेकिन जो फ्यूचर के गेम्स आएंगे और उनका जब ड्राइवर सपोर्ट की अगर बात करोगे तो 1030 का ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है, अभी हाल ही में मतलब रिलीज होता, वैसे हाल ही में नहीं बोल सकते क्योंकि 2 साल पुराना है, फिर भी मतलब अभी ये यही लेटेस्ट जनरेशन है, ठीक है। और बाकी अगर आप 750 Ti की बात करो तो वो 2014 में लॉन्च हुआ था, और 7 सीरीज के बाद मेरे ख्याल से डायरेक्टली 9 सीरीज आया था, तो मतलब वो कार्ड कम से कम 2 से 3 जनरेशन पुराना है, और ये कार्ड 0 से 1 जनरेशन। तो मेरे ख्याल से ये कार्ड अगर आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, नहीं तो फिर आप 750 Ti भी ले सकते हो। दोनों में से दोनों कार्ड का वर्थ इट है, मतलब जितना पे करोगे उतना परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्राफिक्स कार्ड के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, अब बढ़ते अगले पार्ट की तरफ, क्योंकि हमें ये पीसी बिल्ड मतलब बहुत ही छोटा से छोटा रखना है। तो अब बात कर लेते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। तो स्टोरेज डिवाइस में हम जाएंगे सीगेट के 500 GB के हार्ड ड्राइव के साथ। यहाँ पे कोई SSD वगैरह की तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे हम मतलब हार्ड ड्राइव में भी 500 GB के साथ जा रहे हैं, तो यही है। और ये कुछ आपको मेरे ख्याल से 1450 रुपीज का मिल जाएगा अमेजोन पे, और काफी अच्छा डील है। और एक्चुअल में ये हार्ड ड्राइव मेरे पीसी में अभी भी है, मतलब कि इसी मॉडल का हार्ड ड्राइव मैं अपने पीसी में अभी भी करेंटली यूज करता हूँ। तो मेरा तो यार मतलब 6.5 साल हो गया कुछ पुराना पीसी, और अभी तक चल रहा है, अभी तक कोई फेलियर का प्रॉब्लम नहीं आया है, तो काफी सॉलिड ड्राइव है। और मेरे ख्याल से जब तक कि आप अनलकी नहीं हो तब तक तो ये आराम से चल जाना चाहिए। तो अब बढ़ लेते हैं अगले पार्ट के ऊपर, जो कि है केस और पावर सप्लाई। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे केस और पावर सप्लाई दोनों आपको एक ही साथ पड़ जाएगा, और पड़ेगा वो सर्कल के डिजायर D1 कैबिनेट के साथ, जो कि आपको मिलेगा 2055 रुपीज के अंदर। अब गाइस वैसे तो ये चैसी बहुत ही अच्छे क्वालिटी का तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना प्राइस पे कर रहे हो उसके हिसाब से बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, और मेरे ख्याल से मिनी ITX मदरबोर्ड सपोर्ट करता है, तो वही आप ट्राई कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये 8 फुल साइज ATX मदरबोर्ड तो नहीं डाल पाएगा, ठीक है। और हमने जो मदरबोर्ड सेलेक्ट किया है वो मिनी ITX ही है। अगर पावर सप्लाई की बात करें तो इस कैबिनेट के साथ प्री बंडल जो पावर सप्लाई आता है वो भी सर्कल का ही है, और 400 वॉट्स का है, जो कि आप नॉर्मल जो सस्ते वाले पावर सप्लाई आते हैं 500 वॉट के, 450 वॉट के, 400-500 रुपए में, उनके मुकाबले इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, और आपको बराबर स्टेबल पावर भी डिलीवर कर देगा, मतलब आपके पीसी को। और हाँ, जो ये 400 वॉट
लिखा हुआ है ना, तो ये जो पावर सप्लाई वो पूरा का पूरा 400 वॉट 24/7 डिलीवर आपको कर देगा। बाकी चीप ब्रांड्स के साथ क्या होता है ना कि वो आपको बता तो जरूर देंगे कि 450 वॉट्स का पावर डिलीवरी कर देगा, लेकिन वो एक्चुअल में मतलब पीक पर ही करते हैं और कभी कभार एक घंटे के लिए या फिर आधे घंटे के लिए करते हैं। बाद में जो उनका नॉर्मल मतलब पावर देने की क्षमता रहती है वो 250 वॉट्स से लेके 350 वॉट्स के आसपास ही होती है, और ऐसे पावर सप्लाई आपके पीछे को खराब भी कर सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो 400-500 वाले पावर सप्लाई आते हैं आप उन्हें बिल्कुल भी बाय ना करें। अगर आप बहुत ही टाइट बजट पे हैं तो आप सर्कल के डिजायर D1, D2 या D3 इन तीनों में से किसी भी कैबिनेट को बाय करेंगे तो आपको अच्छे खासा क्वालिटी का पावर सप्लाई ऑलरेडी इनबिल्ट मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा पीसी बिल्ड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में और वीडियो को यार लाइक तो मार देना, और बाकी आपके जो विचार है जो भी क्रिटिसिज्म वगैरह करना है वो आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हो। अगर आपको ऐसा कंटेंट और फ्यूचर में देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर देना ताकि आप देख पाओ मेरे वीडियोस को सबसे पहले। अब गाइस सोशल मीडिया को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर आप मेरे से बातचीत वगैरह करना चाहते हो, डिस्कशन वगैरह कुछ करना चाहते हो, तो मेरे सोशल मीडियाज़ के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा मैं एक्टिव रहता हूँ अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर, तो डिस्कॉर्ड सर्वर को जरूर ज्वाइन कर लेना। और गाइस अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए अमेजॉन एफिलिएट लिंक से शॉपिंग भी कर सकते हैं, ये चैनल को मेरे इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा, नहीं तो आप पेटीएम के द्वारा डायरेक्टली डोनेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।